नमस्ते दोस्तों, केडी ट्रैवल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम मुंबई से दिल्ली की तरफ यात्रा करेंगे। मैं हूँ अभी फिलहाल बांद्रा टर्मिनस पर। अपने निर्धारित समय दोपहर के 12 बजे निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस। और एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस। इस गरीब रथ एक्सप्रेस को 2 दिन पहले ही LHB डेक्स अलॉट हो चुके हैं और अभी इसमें 3rd AC इकोनॉमी के कोचेस लगाए गए हैं। Thank you.
Thank you.
आ रही है जलगांव की तरफ। टीपी कृष्णा जंक्शन तीन बजकर आठ मिनट पर पहुंच चुके हैं डायमंड सिटी सूरत। चार मिनट की देरी से डिपार्चर हो रहा है सूरत से। Thank you.
81 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंच चुके हैं और अभी इसकी गाड़ी केईपीजी एनजीएसएम लाइन नंबर 1 में आ रही है। 381 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंच चुके हैं वडोदरा जंक्शन। चार मिनट की देरी से 5:01 पर डिपार्चर हो रहा है वडोदरा जंक्शन से और एडजेसेंट प्लेटफॉर्म में खड़ी है वडोदरा वलसाड एक्सप्रेस। राइट साइड लाइन जा रही है रतलाम की तरफ और हम बढ़ चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन की तरफ। Rain, I have this to do.
5:32 पर निकल चुके हैं आनंद जंक्शन से। आज 5:48 पर हम निकल चुके हैं नदियाद जंक्शन से। यहाँ से मोरसा की तरफ एक लाइट गई हुई है। Crossing Gujarat Queen at Maninagar. Ahmedabad, Valsad, Gujarat Queen. Thank you.
यू आर सुपर फास्ट एक्सप्रेस एट अहमदाबाद आउटर। यहाँ काफी सारे W7 का जमघट लगा हुआ है। अपने निर्धारित समय शाम के 6:55 से 2 मिनट बिफोर हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन। शाम के 7:09 पर निकल चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन से।
रात के 8:05 पर हम पहुंच चुके हैं गांधीनगर कैपिटल। लगभग 20 मिनट के देरी से गांधीनगर कैपिटल से डिपार्चर हो चुका है। इसके बाद डायरेक्ट हॉल्ट आएगा पालनपुर जंक्शन, बीच में हम मेहसाणा जंक्शन को स्किप करेंगे। रात के 9:11 हो रहे और हम अभी मेहसाणा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। अपने निर्धारित समय से 5 पहले पहुंच चुके हैं पालनपुर जंक्शन। रात के 10:35 हो चुके हैं और पालनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारा डिपार्चर हो रहा है। Thank you.
आज मैंने यहाँ की फेमस गुप्ता जी की वेज थाली मंगवाई है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पालनपुर जंक्शन पर मैंने गुप्ता जी की वेज थाली ऑर्डर की थी, तो पैकेजिंग के साथ इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। 11:10 पर हम पहुंच चुके हैं अबू रोड। अबे दिखा ना जाएगी, दिमाग चाहिए डालने के लिए। शुअर क्या Bye. I love you. I love you. Bye. Bye. रात के 12:25 पर हम पहुंच चुके हैं फालना। अपने निर्धारित समय 12:30 पर हम निकल चुके हैं फालना से। इसके बाद ट्रेन मारवाड़ जंक्शन और ब्यावर को स्किप करके अजमेर पहुंची। Thank you.
995 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं अजमेर जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है अजमेर बेंगलुरु एक्सप्रेस, जो सुबह 6:15 पर यहां से रवाना होगी। अभी टाइम हो चला है सुबह के 3:55 और हम अजमेर जंक्शन से निकल चुके हैं। यह ट्रेन अब डायरेक्टली जयपुर जंक्शन रुकेगी, बीच में फुलेरा जंक्शन को स्किप करेगी। लेफ्ट साइड की लाइन आ रही है रिंगस की तरफ से। Thank you.
और सामने वाले प्लेटफॉर्म से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। कृपया ध्यान दीजिए, फुलेरा के रास्ते जयपुर से चलकर जोधपुर को जाने वाली 2298 जयपुर नियर एयरपोर्ट 2216 बांद्रा टर्मिनल दिल्ली सराय रोहिला गरीब रथ बांद्रा टर्मिनल अल्बर्ट सेवाई दिल्ली सराय रोहिला है अराइव प्लेटफॉर्म नंबर 1। कृपया ध्यान दीजिए, अल्बर्ट सेवाई के रास्ते बांद्रा टर्मिनल से चलकर दिल्ली सराय रोहिला को जाने वाली 12216 बांद्रा टर्मिनल दिल्ली सराय रोहिला गरीब रथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं। छः बजकर 10 मिनट पर हम निकल चुके हैं जयपुर जंक्शन से।
1280 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं अलवर जंक्शन। अहमदाबाद दिल्ली लाइन के अलावा यहां से मथुरा के लिए एक फ्लाइट गई हुई है। साइड वाली लाइन आ रही है हिंगस की तरफ से और अभी हम पहुंचने वाले हैं रेवाड़ी जंक्शन। अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले 9:08 पर हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन। आपने निर्धारित समय 9:25 पर रेवाड़ी जंक्शन से निकल चुके हैं। रेवाड़ी जंक्शन पे दिल्ली अजमेर लाइन के अलावा बठिंडा रोहतक के लिए लाइन गई हुई है। लेफ्ट साइड वाली लाइन जा रही है भिवानी की तरफ।
लेफ्ट साइड लाइन जा रही है रोहतक की तरफ और हम बढ़ रहे हैं गुड़गांव की तरफ। दस बजकर दस मिनट पर पहुंच रहे हैं गुड़गांव। दस बजकर चौदह मिनट पर निकल चुके हैं गुड़गांव से। इसके बाद आएगा दिल्ली कैंट और उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन दिल्ली सराय रोहिला। क्रॉसिंग जम्मू तवी अजमेर पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सात मिनट की देरी से दस बजकर पैंतीस मिनट पर पहुंचे हैं दिल्ली कैंट। Departing from Delhi Cant at 8:39. Thank you.
इट इज स्पेशल। अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन दिल्ली सराय रोहिल्ला। पूरे सफ़र के दौरान ट्रेन पंक्चुअल थी, अभी थोड़ी देर पहले ही लेट हुई है। तो इस गरीब रथ की जर्नी काफ़ी शानदार रही, लेकिन मैं पुराने ओल्ड ICF कोचेस को यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। इंडियन रेलवेज इस गरीब रथ ट्रेन के कोचेस को पुरानी ICF लिवरी के साथ मैच करती तो ज़्यादा बेटर रहता। तो इस सफ़र को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं नए सफ़र पर। धन्यवाद।